यस के न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार। यौम अतफाल के मौके पर बसवा कल्याण के डिसेंट टैलेंट स्कूल में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया। 14 नवंबर को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उर्फ चाचा नेहरू जी का जन्मदिन मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 9 नवंबर 1491 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ। नेहरू जी के निधन से पहले 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता था। 164 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाने लगा, क्योंकि नेहरू जी का बच्चों से प्रेम और लगाव था। इसीलिए कहीं नेहरू जी को लोग भूल ना जाए, इसीलिए 14 नवंबर को नेहरू जी के साथ में चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इसी के चलते भारत देश के हर स्कूल में चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाते हैं। इसी तरह डिसेंट टैलेंट स्कूल में भी चिल्ड्रंस डे कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में अहमद सर प्रिंसिपल डिसेंट टैलेंट स्कूल ने बच्चों से बात करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़िंदगी के हालात पेश नज़र रखे गए और बच्चों को मुख्तलिफ खेलों से नवाजा गया। 1889 में इलाहाबाद यूपी का एक बड़ा सिटी है, इलाहाबाद में पैदा हुए। कब? 1889, 14 नवंबर 1889 को पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद से यानि दिल्ली गए, वहाँ पर क्या करे, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर बोल दो, जंग आज़ादी में अंग्रेजों के साथ क्या करे, जंग लड़े आज़ादी के लिए, तमाम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए जंग लड़े। उसके बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान। आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बने, समझ रहे आप? हाँ, हिंदुस्तान के पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। नो कब? 1947 से लेकर 1964 यानी 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद 1964 में उनका इंतकाल हुआ, यानी डेथ हो गए। कहाँ पर? दिल्ली में, समझ रहे। और इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बोलते हैं, इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं इनको। पंडित क्यों बोलते हैं बोले तो, पंडित का मतलब होता है, एक हिंदी वर्ड है, पंडित का मतलब होता है टीचर, समझ रहे आप? उन्होंने अपने आप को टीचर बोलते थे। और उसके अलावा और इनको चाचा नेहरू भी बोला जाता है, मालूम है आपको? चाचा नेहरू क्यों बोलते चाचा नेहरू? क्योंकि इनको क्या है बोले तो, बच्चों से ज्यादा मोहब्बत थी, लगाव था बच्चों से, बहुत ज्यादा लगाव था, बहुत मोहब्बत करते थे बच्चों से नो, इसीलिए इनका नाम चाचा नेहरू पड़ गया, समझ रही? हाँ। तो इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू है ना, अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे, अंग्रेजों के साथ क्या करे मालूम है, फाइट करे, ये तमाम करके हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा दिए, जिसकी वजह से आज हम ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है, और मौलाना अबुल कलाम आजाद है, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अंग्रेजों के साथ क्या करे मालूम है, जंग करे, जंग कर कर क्या करे मालूम है, आजादी हासिल करे। आजादी हासिल करने के बाद आज हिंदुस्तान के अंदर हमने आजादी से जो जी रहे हैं, हमारी मर्जी से जो कर रहे हैं, हर चीज हमारी मर्जी से कर रहे ना हम, हम आजाद है आज। जो आजादी हमें मिली है, ये लोग जो हैं अपनी मेहनत स्ट्रगल कर करके हमा को आजादी दिलाए हैं, तो हम भी इन्हों अपनी जिंदगी अपने लिए नहीं, हमारे लिए और आने वाले नस्लों के लिए अपनी जिंदगी सर्व कर दिए ये लोग, मालूम होता है? तो हमने जितने चीजें बोला आपको मालूम होना चाहिए, इन्हों कौन है, कहाँ पैदा हुए, इनकी जिंदगी में इनके क्या कारनामे थे, इन्हों क्या बने, ये तमाम चीजें आप लोगों को मालूम रहना चाहिए, है ना? हाँ, मैं इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और उसके साथ साथ आज का दिन
आपका दिन है, आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज चिल्ड्रंस डे, बच्चों का दिन है आज, है ना। इसके वास्ते आपके जो टीचर्स है, आपके टीचर्स आपको क्या कर रहे मालूम है, आज के दिन में क्या कर रहे, खेल खिला रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करा रहे हैं आपको, आज खुश कर देते टीचर्स पूरे, एक्टिविटी खेल